अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अहमद टीवी। दोस्तों, दुनिया रेसलिंग में करोड़ों शायकीन के दिलों पर राज करने वाले अंडरटेकर से मुतल्लिक खबरें गर्दिश में हैं कि अब वो दोबारा कभी भी रिंग में नजर नहीं आ सकेंगे। रेसलमेनिया 33 के मैच में रोमन रीन्स के हाथों शिकस्त के बाद अंडरटेकर अपना कोट, दस्ताना और हैट रिंग में छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद इनसे मुतल्लिक कहा जाने लगा था कि इन्होंने दुनिया रेसलिंग को खैरबाद कह दिया है। तहम इनकी तरफ से दुनिया रेसलिंग को खैरबाद कहने के हवाले से बकायदा कोई ऐलान अब तक सामने नहीं आ सका। नाज़रीन, खबर यह है कि इन दिनों अंडरटेकर की चंद ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनके बाद तमाम खदशात दूर हो गए हैं और इनके दोबारा रिंग में आने की खबरों की भी तरदीद हो गई है। इन तस्वीर से मालूम होता है कि अंडरटेकर अब दोबारा कभी भी रिंग में अपने जौहर नहीं दिखा सकेंगे। अंडरटेकर इन दिनों कूलों की सर्जरी के अमल से गुजर रहे हैं और बैसाखी के सहारे चल फिर रहे हैं। इनकी अपनी अहलिया और हस्पताल के अमले के हमरा तस्वीर भी मंजर आम पर आई हैं। कहा जा रहा है कि इन्होंने रेसलमेनिया 33 में रोमन रीन से मुकाबले के लिए इस सर्जरी को इल्तवा में डाल दिया था, ताहम अब वो इसके लिए कई मराहल से भी गुजरेंगे। अंडरटेकर 27 साल तक रेसलिंग की दुनिया में सरगर्म रहे, जबकि रेसलमेनिया के 25 साल रिकॉर्ड में इन्होंने 23 बार फतूहा समेटी, ताहम बज़ाहिरन इनके कैरियर का इख्तिताम शिकस्त के साथ हुआ था। दोस्तों, बज़ाहिरन अंडरटेकर रिंग से रिटायरमेंट ले चुके हैं, मगर अब भी लोग फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल साइट्स पर इनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं। अब भी इनके करोड़ों मद्दा ये चाहते हैं कि अंडरटेकर अपनी रिटायरमेंट वापस लेकर दोबारा रिंग में उतरें। खुद अंडरटेकर की जानिब से भी ऐसे इशारे मिले हैं कि वो अनकरीब अपनी रिटायरमेंट शायद वापस ले लें। क्योंकि अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया का एक ऐसा सितारा था जिसने WWE में सबसे ज़्यादा शोहरत, दौलत और इज्जत कमाई। ये दो से ज़ायद दहाइयों तक रिंग में लोगों को अपने अनोखे अंदाज और मुनफरिद स्टाइल की बदौलत महसूस करते रहे। इनके फॉलोअर्स इस वक्त अमेरिका समेत पूरे यूरोप और एशिया तक फैल चुके हैं। चनाचे पाकिस्तान में WWE ज़्यादा बाकायदगी से दिखाई नहीं जाती रही, मगर फिर भी जब से मुशरफ के रोशन ख्याली प्रोग्राम के तहत केबल घर घर पहुँची है, तब से अंडरटेकर की मकबूलियत पाकिस्तान में भी फैल चुकी है। दोस्तों, आप देख रहे थे अहमद टीवी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। हमें आपके कमेंट्स का भी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल अहमद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग अहमद टीवी।